नमस्कार, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा के ए टू जी ऑफ स्लैंग्स। ए फॉर अजगर, जो तू है। बी फॉर बकचोद, मत कर यार, अपनी बकचोदी ना अपने पास रख। बकचोद वो होते हैं जो पूरी टाइम बकते रहते हैं। सी फॉर चूतिया, मेरा फेवरेट वर्ड, क्योंकि किसी ने एक्सप्लेन किया था कि चूतिया गाली नहीं होती, चूतिया का मतलब हिंदी डिक्शनरी में मूर्ख होता है, तो इससे ज्यादा शुद्ध गाली तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। तो यही दीजिए सबको, मैं तो यही देती हूँ। डी फॉर दिमाग की रही, जब कोई तुम्हारा ऐसे लाइक तुम्हारे सर पे चढ़ के इरिटेट कर देना और तुम कुछ ना कर पाओ, तो मतलब उसने तुम्हारे दिमाग की दही कर दी। ई फॉर एक दूकिया, जनरली लेडीज यूज करती हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा तरीका होता है जताने का कि आप किसी को एक देना चाहते हैं। एफ फॉर फट गई यार, फट गई। जी फॉर गांडू, गांडू, जैसे कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उनको बोल सकते हैं तू एकदम गांडू आदमी है, ठीक है, मुझसे बात मत कर, गांडू है तू। एच फॉर हरामी, जो इंसान की नीयत ठीक नहीं होती ना वो हरामी होता है। हरामी, तुम भी जानते होगे काफी हरामी लोगों को टैग कर दो, हराम के पिल्ले। इल्लू 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 इल्लू। जे फॉर झकास। के फॉर कुत्ते कमीनी, क्या कर रही है कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एल फॉर ए लोडू, ए लोडू, हाँ ढंग से बात कर लोडू, पता है कौन हूँ मैं। एम फॉर मटर कश्ती, ये क्या मटर कश्ती मजनूगिरी लगा रखी है यहाँ पे, यहाँ हाँ कुछ काम नहीं है, घर निकलो अपने। एन फॉर नंगिया, नंगिया बॉयज, नंगिया नंगिया ब्रो, नंगिया। ओ फॉर ओए, ओ हो ऐसी बोलते हैं यार, ऐसी बोलते हैं थोड़ा सा। ओए यूज होता है तब जब आपको किसी को बुलाना हो, तुम्हें उसका नाम ना पता हो या फिर पता भी हो तो तुम्हें बोलना ना हो। ए ओए 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 सुनना, ओए ओए लुक, अरे यार ओए 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 ओए। पी फॉर पागल, जब तुम्हें अपने भाई बहनों को कुछ गलत बोलना हो और मम्मी सामने बैठी हो तो तुम क्या बोलोगे, सबसे छोटे लेवल पे तुम ये बोलोगे, ए पागल हो गई क्या, तूने मेरा स्वेटर क्यों लिया यार, तू पागल है क्या। क्यों से कत्ल, क्या कत्ल मोमोस है यार, क्या सही मोमोस, कत्ल हो गया यार कत्ल। आर फॉर रोत्रू, वो जो हर चीज पे रोता रहता है यार, मतलब उसने कोई पिक्चर देख ली, सैड एंडिंग हो गई तो वो रो देगा, अगर चींटी मर गई तो वो रो देगा, अगर तुम्हारा फ्रेंड इधर से उधर चलेगा तो वो रो देगा, अगर किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा तो वो रो देगा, अगर उसको पॉटी नहीं आई तो वो रो देगा, अगर उसे सुसु नहीं आई तो वो, मतलब वो रो देगा यार, वो हर चीज पे रो देगा, वो है रोतड़ू। एस फॉर साले, किसी भी सिचुएशन में यार कैसे भी चलता है, ये भी सारे इमोशंस को बयान करता है। साले कांग्रेचुलेशंस, या फिर अगर गुस्सा, साले ₹5 दे दे मेरे इधर वापस, या फिर अगर रोना आ रहा, साले वो मुझे फिर छोड़ के चली गई। टी फॉर टट्टी, टी फॉर टट्टी, तू है टट्टी, टट्टी खा ले टट्टी खा, समथिंग यू शुड टेल पीपल व्हेन यू रियली रियली हेट देम बिकॉज इट मींस ईट योर शिट। यू फॉर उल्लू का पट्टा, अब उल्लू का पट्टा का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो वो आपके बाप के लिए गाली है, क्योंकि पट्टी का मतलब तो बेटा होता है, पर आयरॉनिकली ये गाली सिर्फ बाप ही देते हैं। ए उल्लू का पट्टा, मैं जूते साफ कर ले रहे, ये तो पापा ही बोलते हैं ना, ऐसे तो पापा, मतलब पापा को कोई समझाओ कि पापा आप अपनी कोई गाली नहीं हो। वी फॉर वेलिया, माने की हम, वेले असी वेले असी वेला हो जाओ, क्या मतलब ये आईडीवा की लड़कियां कितनी वेली हैं, कुछ और काम नहीं है क्या, फालतू वीडियो बनाती रहती हैं। डब्ल्यू फॉर वाट लग गई, भाई देखा है आजकल स्मॉग, भाई दिल्ली वालों की तो वाट लग गई है, सीरियसली सब मरने वाले हैं। एक्स फॉर आपकी लाइफ में वो लोग जो अब नहीं रहे, जैसे कि एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड, एक्स लैंडलॉर्ड। एंड इससे पहले कि आप मुझे करेक्ट करें, पता है मुझे ई एक्स लिखते हैं, बट मेरी मर्जी, ओके। वाई फॉर यार, यार क्या यार, क्या यार, यार यार आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हो, यार क्या लग रही है तू आज, सही लग रही है। जेड फॉर जरा, जरा 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 महकता है, बहकता है आज तो मेरा तन बदन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।